नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रचना के आधार पर क्रियाएं बताऊंगा। रचना के आधार पर क्रिया कौन कौन सी है? दोस्तों, अगर आप हमारे इस क्रिया टॉपिक को समझना चाहें, इससे पहले मैंने अपने चैनल के हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में क्रिया का पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण में जाकर आप हमारे क्रिया का पहला भेद पढ़ सकते हो, उसके बाद ये दूसरा भाग पढ़ें जो अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक क्रिया का दूसरा भाग, और ये है रचना के आधार पर क्रिया। तो दोस्तों, तो रचना के आधार पर क्रिया, ये हमारा टॉपिक है और बहुत टॉपिक बहुत अच्छा है। आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हैं तो पूरा समझ में आपके नहीं आएगा। अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको आगे कभी भी इस वीडियो मतलब इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रचना के आधार पर क्रिया। तो सबसे बात कर लेते हैं धातु जो क्या चीज होती है, धातु क्या चीज होती है उसको समझ लेते हैं। तो धातु को कहें कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। कैसे समझ लेते हैं? जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्या है? क्रिया। और ये मूल रूप इसका क्या होगा? पढ़ होगा। और ये क्या है? धातु कहलाएगी। क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। जैसे धातु कहलाती है, जैसे चल, खा, पी, कर, यानी ये सारे के सारे ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु। क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो दोस्तों, आपने समझा धातु क्या होता है, किसे कहते हैं। धातु का वैसे प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। कहाँ किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं मूल धातु तो मैंने बता दिया, एक होती है यौगिक धातु। यौगिक धातु इसको समझिए, यौगिक धातु क्या है, और एक होती है मूल धातु। एक यौगिक धातु और एक होती है मूल धातु, इन दोनों को समझेंगे। यौगिक धातु क्या चीज है और मूल धातु क्या चीज है, यानी क्रिया के अंत में। पहले समझ लेते हैं मूल धातु, क्रिया के अंत में से ना प्रत्यय हटाकर धातु बनाई जाती है। धातु बनाई जाती है, जैसे मैंने बताया था चल, खा, पी, कर, तू, ये सारे के सारे क्या है, मैंने इनमें से ना उठा दिया। जैसे ये था चलना, इसमें से ना उठा दिया। खाना, खाना में से भी ना उठा दिया। पीना, ना उठा दिया। करना, ना उठा दिया। सोना, ना उठा दिया। और जाना में से भी ना उठा दिया। तो ये बना मूल धातु। क्या बने दोस्तों? मूल धातु बनी। तो दोस्तों, अब समझ लेते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या चीज होती है इसको समझो। यौगिक धातु वो चीज होती है यानी बे सर्वनाम, सॉरी, ये दो क्रियाओं के मेल से बनी होती है। जैसे कोई संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द है, सर्वनाम शब्द है, और उनमें प्रत्यय लगाकर कोई क्रिया बनाई जाती है, उसको यौगिक धातु कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम तथा
विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है या दो क्रियाओं के मेल से मिश्रित क्रिया बनाई जाती है वो क्या कहलाएगी? यौगिक धातु कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? यौगिक धातु कहलाएगी। समझ लेते हैं इसको। अब दोस्तों ये तो रही धातु की बात, अब समझ लेते हैं क्रिया क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया सुनो, यानी जब कोई कोई कार्य किसी की प्रेरणा से किया जाए, किससे किया जाए? किसी की प्रेरणा से किया जाए और कर्ता स्वयं कार्य न करे, किसी दूसरे से करवाए, तो वहां कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो व्यापरवासा लिख देता हूं मैं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी जब कर्ता स्वयं कार्य न करे, दूसरों से कार्य करवाए, तो वहां कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक। या कोई कार्य किसी की प्रेरणा से की जाए तो भी वहां क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे जैसे समझ लो, माँ बच्चों से पत्र लिखवाती है। माँ बच्चों से पत्र लिखवाती है। यहाँ कर्ता कौन है? माँ। लेकिन कार्य किससे करे? माँ खुद कार्य नहीं करी है, बच्चों से करवा रही है, पत्र लिखवा रही है। तो ये क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ये क्या करता है? माँ है, वह अब स्वयं कार्य नहीं करी, बच्चों से पत्र लिखवा रही है, तो वहां कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और देख लेते हैं उदाहरण, अध्यापक छात्रों से गृह कार्य करवाते हैं। अध्यापक छात्रों से गृह कार्य, यानी अध्यापक स्वयं कार्य नहीं करते हैं, छात्रों के द्वारा करवाते हैं, तो यहां कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी होगी दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आशा करता हूँ प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गई होगी। यानी जब कर्ता स्वयं कार्य न करेगी, दूसरे से कार्य करवाए, तो वह कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आशा करता हूँ समझ में हो गया। तो समझ लो दोस्तों, एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं मैं बताऊं। ले लिया उदाहरण दे दिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है जैसे पढ़वाना, चलाना, लिखवाना और गाना। यह पूछी जाए कि यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये गाना नहीं है। अब सुनो, पढ़वाना यानी मैं कह रहा हूं अरे उस बच्चे से किताब पढ़वाओ ना, पढ़वाओ। अरे गाड़ी चलाओ, चलाना, रमेश गाड़ी चलाना। इस तरह से दूसरे से लिखवाना, पत्र लिखवाना,
या पीड़ार्थक, यानी दूसरे के कहने से कार्य किया जा रहा है, कर्ता स्वयं कार्य के न करके दूसरों से करवा रहा है, तो वहां कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यानी कोई दूसरा व्यक्ति भी तो कह सकता है पढ़वाना या चलाना, लिखवाना, इस तरह से भी। यानी लिख, अब समझे एक बार, मैंने क्रिया के शब्द आना और बाना प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। यानी धातु में क्या लगा दो, आना प्रत्यय या बाना प्रत्यय लगा दो, तो कौन सी क्रिया बनाई जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाएगी। दोस्तों इस बात को आप नोट कर लो, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मैंने तरीका बताया आपको, और आप वो इसको भूलना ना चाहें, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रेरणार्थक क्रिया आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं दूसरी। तो दूसरी जो क्रिया हमारी है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, और ये बहुत ही सरल है। यानी जब वाक्य में कोई कार्य पहले समाप्त हो गया हो, दूसरा बाद में समाप्त स्टार्ट हो रहा हो, या समाप्त हो रहा हो, लेकिन जब दूसरे से पहले जो कार्य किया वही क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे समझ लेते हैं, पहले रमेश खाना खाकर पढ़ने गया। उदाहरण है, यानी रमेश ने पहले खाना खाया फिर कहाँ गया? पढ़ने गया। तो इससे पहले कौन सी क्रिया की? ये की ना, ये क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो जान लेते हैं इसकी परिभाषा। यानी जब वाक्य में एक क्रिया पहले समाप्त हुई हो और दूसरी बाद में पहले ही समाप्त होने वाली क्रिया पूर्व कालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब वाक्य में कितनी क्रिया हो? दो। जब वाक्य में क्रिया पहले समाप्त हुई हो, एक क्रिया पहले समाप्त हुई हो और दूसरी बाद में, पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ देखो, रमेश खाना खाकर, रमेश ने पहला कौन सा कार्य किया? खाना खाया, और फिर बाद में पढ़ने गया। तो पहला जो खाना खाया वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। नीता नाकर मंदिर गई। नीता नाकर मंदिर गई। तो यहाँ नाकर, मंदिर जाने से पहले कौन सा कार्य किया? ये नाकर। ये क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गई होगी दोस्तों। जान लेते हैं अगली क्रिया। जान लेते हैं दूसरे तीसरी दोस्तों, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, नाम में, नाम होते संज्ञा, इनमें कोई प्रत्यय लगाकर या कोई क्रिया बनाई जाती है। प्रवास जान लेते हैं, जब संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर
क्रिया बनाई जाती है तो वहां तो वह नाम धातु क्रिया होगी। कौन सी होगी? नाम धातु क्रिया होगी। जैसे समझ लेते हैं, जैसे समझ लेते हैं, समझो दोस्तों। जैसे सर्व, क्या है सर्व, और इसमें प्रत्यय लगा दिया आना, क्या लगा दिया आना, तो ये बन गई क्रिया कौन सी? शर्मा। और शर्म क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। एक शब्द है फिल्म, फिल्म बताया आपको संज्ञा शब्द है, और इसमें प्रत्यय लगा दिया आना और शब्द बन गया फिल्माना, ये क्रिया बन गई। जैसे हाथ, और इसमें प्रत्यय लगा दिया या ना, और ये होगी अतियाना। सर्वनाम आपने पढ़ा होगा अपना, इसमें प्रत्यय लगा दिया ना, क्रिया बन गई अपनाना। एक उदाहरण, चमक विशेषण शब्द है, प्रत्यय लगाया आना, बराबर ये बन गई चमकाना। जैसे एक और है लात प्लस याना बराबर लतियाना, यानी जब संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाएगी वो क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। तो आशा करता हूँ ये भी क्रिया समझ में आ रही होगी। जान लेते हैं दोस्तों अगली क्रिया। अगली क्रिया है दोस्तों आज्ञार्थक क्रिया, जान लेते हैं आज्ञार्थक क्रिया क्या है। जब किसी से आज्ञा ली जाए या आज्ञा दी जाए बाकी में ऐसा पता चले तो वह कौन सी क्रिया होगी? आज्ञार्थक क्रिया होगी। जब वाक्य में किसी से आज्ञा ली जा रही हो या आज्ञा दी जा रही हो तो वहां आज्ञार्थक क्रिया। जैसे आप मंदिर चले जाओ, आप मंदिर चले जाओ, आज्ञा दी जा रही है, यह कौन सी क्रिया होगी? आज्ञार्थक। और आपकी यात्रा मंगलमय, आपकी यात्रा मंगल हो, यानी ईश्वर से किसी अच्छे की कामना की जा रही हो, इच्छा प्रकट की जा रही हो, तो भी वहां कौन सी होगी? आज्ञार्थक की होगी। कौन सी क्रिया होगी? आज्ञार्थक क्रिया होगी। मैं घर चला जाऊं, मैं घर चला जाऊं, मैं आज्ञा ले रहा हूं किसी, तो वहां भी कौन सी क्रिया होगी? आज्ञार्थक क्रिया होगी। कौन सी होगी दोस्तों? आज्ञार्थक क्रिया होगी। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गई होगी। जान लेते हैं दोस्तों अगली क्रिया। दोस्तों अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। कौन सी है दोस्तों? संयुक्त क्रिया है। इसको समझो, प्रवाह मान लेते हैं। जब वाक्य में दो क्रियाएं हों और
दोनों क्रियाएं एक ही उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं, तो वहां कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। जैसे समझ लेते हैं, राम ने बस पकड़ ली, राम ने बस पकड़ ली। एक देखो, यहाँ पकड़ और ली दोनों अलग अलग क्रिया है, लेकिन एक ही क्रिया के उद्देश्य को पूरे कर रही है, तो वहां संयुक्त क्रिया होगी। एक और देख लें, गीता ने खाना खा लिया। देखो, खा और लिया दोनों अलग क्रिया है, लेकिन एक ही उद्देश्य की पूर्ति कर रही है, तो वहां कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। क्या कौन सी होंगी दोस्तों? संयुक्त क्रिया होंगी। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गई होगी। और हमारी एक और अगली क्रिया है, और उसका नाम है सहायक क्रिया। यानी समझ लेते परवाजा, जब मुख्य क्रिया को पूरा करने में दूसरी क्रिया की सहायता ली जाती हो, तो वहां कौन सी होगी सहायक क्रिया? या मुख्य क्रिया की सहायता देने वाली क्रिया, या ऐसे कह सकते हैं मुख्य क्रिया को पूरा करने में सहायता देने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया कहलाएगी। जैसे समझो दोस्तों, समझो, राम पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ना ये मुख्य क्रिया है, रहा है ये ही क्या कहला रही है दोस्तों? सहायक क्रिया है। सीता गाना गाती है, गाती क्रिया एक जो है ये क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया कहलाएगी। श्याम श्याम पुस्तक पढ़ता था एक क्रिया है, था एक क्रिया, और ये था जो है जो है, और ये रहा है, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? सहायक क्रिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? सहायक क्रिया कहलाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रचना के आधार पर क्रिया समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले ऐसे ही एक हिंदी के टॉपिक, हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।